व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी अपने किचन में बहुत मज़ेदार से भी गारी बैंगन। तो चलिए मैं डिटेल में आपको चीज़ें बताती हूँ जो मैंने इस बैंगन को बनाने के लिए ली हैं। मेरे पास यहाँ पे 1 kg बैंगन है जिनको मैंने वॉश करके 4 pieces में कट कर लिया है, ये देखिए। और इसकी ये टेल भी साथ ही है। अच्छा, यहाँ पर 2 टमाटर ले लिए मैंने बड़े साइज़ के, काट लिए रफली। यहाँ पर प्याज है मेरे पास 2 बड़े साइज़ के। पानी इस्तेमाल करेंगे मसाला बनाते हुए। और यहाँ पे हमारे पास 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 चाय का चम्मच अचार का मसाला है, थोड़ा सा धनिया ले लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च ले ली है, 1/2 चाय का चम्मच मेरे पास लाल मिर्च है, 1/2 चाय का चम्मच मेरे पास यहाँ पे हल्दी पाउडर है, और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास नमक है। इमली का रस इस्तेमाल करेंगे, इमली को भिगो के उसका मैंने ताज़ा बल्ब ले लिया है। यहाँ पर ड्राई स्पाइस में मेरे पास है यहाँ पर नारियल पाउडर, नारियल का पाउडर, कोकोनट पाउडर, सफ़ेद तेल, लाल मिर्च, मूँगफली, सूखा धनिया और ज़ीरा। मैंने लाल मिर्च ली है 1/2 चाय वाला चम्मच और सूखा धनिया 1/2 चाय वाला चम्मच और ज़ीरा 1/2 चाय का चम्मच। बाकी चीज़ें आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉपर रेसिपी। रहमान रहीम, तो चलिए सबसे पहले हम ऑयल गरम है इसमें डालेंगे बैंगन, बैंगनों को करेंगे फ्राई। गोल्डन फ्राई हो जाएंगे बैंगन हमारे, तो फिर हम इनको निकालेंगे और इसकी ग्रेवी करेंगे रेडी। चलिए इसको होने देते हैं गोल्डन अच्छे से। इधर यहाँ पर हम कर लेते हैं अपने सारे स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट। बैंगन हमारे यहाँ फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पर इसको हम करेंगे हल्का सा गोल्डन। बस ये थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करें, ऑयल नहीं डाला, थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो इसको हम डालेंगे मिक्सी में और इसको हम बारीक पीस लेंगे, बिल्कुल पाउडर बनाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, बैंगन हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए, ये देखिए। इसको हम निकाल लेते हैं सारे बैंगन को। चलिए सारे बैंगन को निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम प्याज डालेंगे अपनी कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज डालेंगे, प्याज को करेंगे अच्छा सा गोल्डन, गोल्डन कलर आएगा इसमें। फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। चलिए प्याज तो हमारा गोल्डन हो चुका है, हम इसमें डाल देते हैं लहसुन अदरक, इसको भी थोड़ा सा और गोल्डन करेंगे, और फिर इसमें शामिल करेंगे टमाटर। फ्रेंड्स, ये वो मैंने ड्राई रोस्ट किया था जो मसाला, उसको मैंने मिक्सी में डालकर रेडी कर लिए। ये देखिए हमारे प्याज हो गए गोल्डन, बस इतना ही इसको हमने गोल्डन करना है। इसमें डालेंगे टमाटर, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटर थोड़े से कुक हो गए हैं लहसुन अदरक पेस्ट के साथ बहुत अच्छे से। अब हम यहाँ पे काम करेंगे, मैं इसको हल्का हल्का पीसूंगी। अच्छा, मैं इसको हैंड ब्लेंडर से पीसूंगी, अगर किसी के पास नहीं है तो वो इसको अच्छे से वैसे ही स्पून के साथ हिलाते हुए मिक्स कर। ये देखें फ्रेंड्स, हमने इसकी पेस्ट बहुत फाइन नहीं करनी थी, बस सिर्फ ऐसी ही की है ताकि ये थोड़ी सी पेस्ट भी बन जाए और थोड़ा सा इनको हमने खड़ा खड़ा भी रखा है। अब इसमें हम डाल देते हैं ड्राई स्पाइस सारे। सारे मसाले इसमें शामिल करेंगे और इसको भूनते हुए अच्छे से भूनेंगे। ये जो हमने अपना मसाला रेडी किया था कोकोनट वाला, अचार का मसाला इसमें डालेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पानी का छींटा देंगे, वैसे अभी तक तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसको बस भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करके इसको भूनेंगे अच्छा सा। चलिए ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, इसमें हम शामिल करेंगे बैंगन। चलिए साथ ही साथ इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे, मैंने कुछ हरी मिर्चें काट ली थी और कुछ साबुत थी। हरा धनिया बाद में डालेंगे, ये हमारे पास इमली का ताज़ा पल्प था ये डालेंगे। इसको कवर करूंगी और इसको 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे रखूंगी और फिर बाद में इसमें धनिया डालेंगे और इसको करेंगे रेडी।
देखिए व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार भिगारे बैंगन बनके रेडी हो गए। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और ये हमारी डिश हो गई रेडी। चले, मेरी वीडियो थी यहीं तक। यकीनन आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। पसंद आए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चले, मुझे दे इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।